हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है हर मंथ की स्टार्टिंग में आपको लास्ट मंथ में जितनी भी रिक्रूटमेंट आई थी उन सब का कंपाइलेशन आपको मिल जाता है, जिससे गाइज जो भी स्टूडेंट्स मान लीजिए बाई चांस नोटिफिकेशंस की वीडियो को नहीं देख पाया है और अभी भी अगर लास्ट डेट ओवर नहीं हुई है तो वो स्टूडेंट वहाँ पर अप्लाई कर दें, और जो स्टूडेंट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं वो भी अवेयर रहे कि कौन कौन से रिक्रूटमेंट यहाँ पर लास्ट मंथ में आए थे, जिससे कि फ्यूचर्स में उससे रिलेटेड जब भी अपडेट्स आए तो उनको पता रहे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आई थी और उनका क्या क्या फ्यूचर्स में अपडेट चल रहा है। तो गाइज, हर मंथ के स्टार्टिंग में आपको ये मंथली कंपाइलेशन इंजीनियर्स वाले के प्लेटफॉर्म पर मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर आज का जो यहाँ पर आपका वीडियो रहने वाला है वो नवंबर 2024 में जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैकेंसीज रिलीज हुई थी उसका मंथली कंपाइलेशन करने वाले हैं। गाइज, मैं आपको ये बताना चाहूंगा वीडियो के स्टार्ट करने से पहले कि जितने भी रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए आए हैं उन सब के डिटेल नोटिफिकेशन आपको इंजीनियर्स वाले के प्लेटफॉर्म के वीडियो सेक्शन में दिख जाएंगे, जहां पर इसके एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, सारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेके कंप्लीट डिटेल जो है आपको वहां पर बता रखी है। यहां पर आपको मैं समराइज कर रहा हूं, आप जो नोटिफिकेशन है जैसे BELFTE करके इसे सर्च करेंगे या इंजीनियर्स वाला के वीडियो सेक्शन में लास्ट वन मंथ के नोटिस नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको वहां पर इनका डिटेल वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें और सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहां पर शॉर्ट एंड स्वीट हम बात करें तो BELFTE रिक्रूटमेंट 2024 जो है उसमें फिक्स टेन्योर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट जो है अनाउंस हुई थी। डिग्री इन इंजीनियरिंग अगर आपके पास है EC कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 229 वैकेंसीज इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, जिसमें रिटर्न एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू रहेगा। लास्ट डेट अभी भी ओवर नहीं हुई है, 10/12/2024 से पहले आप लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, एक बड़ा नोटिफिकेशन आया था RSMS SSBJEE का, जिसमें जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट जो है वो अनाउंस हुई थी, जिसमें डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा था। इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई थी। 40 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, इसमें 1100+ वैकेंसीज है। रिटर्न टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। इसकी लास्ट डेट 27/12/2024 है, तो अभी भी लास्ट डेट नहीं ओवर हुई है। जो बच्चा अप्लाई करना चाहता है वो जाकर अप्लाई कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइज, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया टेक्निकल रिक्रूटमेंट अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ था, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट थी इलेक्ट्रिकल, CSIT और सिविल के बच्चों के लिए। डिग्री डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट 28 ईयर रखी है। टोटल 16 पोजीशन अवेलेबल है। रिटर्न एग्जामिनेशन Tier 1 Tier 2 इसमें रहेगा, और यहाँ पर 6/11/2025 इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ECL का रिक्रूटमेंट 2024 के लिए अनाउंसमेंट हुआ था, इसमें ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप्स की अपॉर्चुनिटीज थी। तो गाइज, आपको यहाँ पर रेगुलर जितनी भी आपकी फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज आती है वो भी आपको बताई जाती है। साथ के साथ काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं गाइस जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, एक दो साल का ड्रॉप भी ले चुके हैं, अब उनको थोड़ा अर्निंग का सोर्स भी चाहिए और साथ में कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी ध्यान में हमें रखना पड़ता है। एज ए टीचर हमें सारे टाइप के स्टूडेंट को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है जिसमें थोड़ा अर्निंग भी हो जाए और साथ में तैयारी भी करते रहो और आगे जाके कोई बड़ा एग्जाम निकाल लो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको वो भी इंजीनियर्स वाले के प्लेटफॉर्म पर बताई जाती है। तो यहाँ पर ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप्स की अपॉर्चुनिटीज 187 अपॉर्चुनिटीज मेरिट बेस्ड थी। इसमें अगर हम बात करें जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, आई होप सो उन्होंने अप्लाई कर दिया होगा। रेलटेल ने भी अपना रिक्रूटमेंट अनाउंसमेंट किया था, डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिस भी स्टूडेंट्स के पास है वो अप्लाई कर सकता था। 40 ओपनिंग यहाँ पर इन्होंने करी थी। इसके अलावा IOCL ने भी अपने रिक्रूटमेंट 2024 के लिए अनाउंसमेंट करी थी, ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप्स की 120 ओपनिंग, जिसमें 6/10/12/2024 से पहले जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, इसके अलावा JRSE की भी रिक्रूटमेंट जो है वो टेक्निकल रिक्रूटमेंट लास्ट मंथ में अनाउंस हुई थी, 230 ओपनिंग वहां पर भी अवेलेबल थी। तो जब ये JRSE IOCL जितने भी नोटिफिकेशन आए गाइस, ये जिस दिन नोटिफिकेशन आया होगा उसको नेक्स्ट 1-2 डेज के अंदर ही आपको इंजीनियर्स वाले के प्लेटफॉर्म पर पूरी डिटेल तरीके से कवर किए हुए हैं। बाकी जो जब आपको इस वीडियो में एक बार वापस मैंने रिकॉल कर दिया कि जिन स्टूडेंट्स की लास्ट डेट नहीं निकली है जिस फॉर्म की, उसमें जाकर स्टूडेंट अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी गाइस, आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइमली बेसिस पर इंजीनियर्स वाले के प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है, जिसमें भी आप लोग एलिजिबल हो, जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड हो, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ मंथली कंपाइलेशन का यही मोटो होता है कि जितनी भी टोटल अपॉर्चुनिटीज आपकी लास्ट मंथ में आए उन सब का आपको एक बार रिकॉल करवा दे, बाकी ये ऑलरेडी डिटेल जो है वो इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर कवर किए जा चुके हैं, और इनकी PDF भी kuldeep_sir_PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जा चुकी है। वहाँ पर आपको इसमें क्या सैलरी रहेगा, क्या एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी है, और इसकी एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे इस
इसका डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म को फिल करते वक्त चाहिए वो सब PDF में अवेलेबल होती है, और वो सब ऑलरेडी इंजीनियर्स वाला के वीडियो सेक्शन में वीडियोज़ भी कवर हो चुके हैं, और बाकी आपको वो कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर और इंजीनियर्स वाला के टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF भी मिल जाएगी। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन और अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।